बाकी जो आप मेरे सभी पूर्वजों को मेरा सादर प्रणाम। ओम श्री गणेश देवताय नमः, ओम श्री कुल देवताय नमः, ओम श्री गुरु देवताय नमः, ओम सर्व श्री इष्ट देवताय नमो नमः। शिवशरण दोस्तों, मैं हूं कड़प्पा, फिर से आपके सामने हाजिर हूं। मेरे धर्म कर्म चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। दोस्तों, पंचांग आज का आपके सामने अभी प्रस्तुत कर रहा हूं। दोस्तों, आज तारीख 13 सितंबर 2024, शैलवान शक 1946, संवत्सर क्रोधी, आयन दक्षिण, ऋतु शरद, मास भाद्रपद, पक्ष शुक्ल। तिथि दोस्तों आज की दशमी तिथि है। रात 10:31 के बाद एकादशी तिथि शुरू होगी। वार शुक्रवार है दोस्तों। नक्षत्र दोस्तों पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र है। रात 9:36 के बाद उत्तराषाढ़ा नक्षत्र शुरू होगा। योग दोस्तों सौभाग्य योग है। रात 8:48 के बाद शोभन योग शुरू होगा। करण दोस्तों तैतिल करण है आज का। सुबह 11:08 के बाद गरज करण शुरू होगा और रात 10:31 के बाद वनिज करण शुरू होगा। प्रमुख ग्रहों की राशि तिथि सुबह 5:30 कुछ इस तरह होगी दोस्तों। सूरज अपने सिंह राशि में होगा, चांद धनु राशि में, गुरु वृषभ राशि में, शनिदेव अपने कुंभ राशि में होंगे। बंबई क्षेत्र में सूरज का आगमन और निगमन कुछ इस तरह होगा। आगमन जो है सुबह 6:27 पर होगा और निगमन जो है शाम 6:42 का होगा। दोस्तों, इसी पंचांग के आधार पर अब हम आज की पूजा के लिए संकल्प छोड़ने जा रहे हैं। तब आप आपके दाहिने हाथ के हथेली पर थोड़ा सा जल, थोड़े अक्षत, एक फूल या फूल के पंखुड़ी ले दोस्तों, और ये संकल्प बोलना शुरू कर दें। हर ओम शिव शिव शंभो राधनया, प्रवर्तमान सिद्ध ब्रह्मणो द्वितीय परार्धे श्वेत वराह कल्पे वैवस्वत मन्वंतरे कलियुगे प्रथम पादे जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भरतखंडे मेरो दक्षिण दिग्भागे महाराष्ट्र देशे व्यावहारिक चांद्रमाने शालिवान शक 1946 प्रभावादि षष्ठी संवत्सरों में क्रोधी नाम संवत्सरे दक्षिण आयने शरद ऋतु भाद्रपद मासे शुक्ल पक्षे शुक्रवार वासरे पूर्वाषाढ़ा नक्षत्रे सौभाग्य योगे तैतिल करने दशमी शुभति तो वीर गोत्र में उत्पन्न मैं कड़प्पा मोमोपाक्त दुरितक्षय द्वारा श्री पार्वती पति परमेश्वर पित्यर्थ विधि विधान से पंचोपचार नित्य देव पूजा एवं इष्टलिंग पूजा करीष्ये। दोस्तों, यह संकल्प यहीं पर खत्म हो चुका है। अब आपके दाहिने हाथ की हथेली पर जो संकल्प का पानी है वो सामने वाली थाली में छोड़ दो दोस्तों। दोस्तों, इस संकल्प की काल मर्यादा सुबह 11:08 तक है। इस समय के बाद भी अगर आपको किसी धार्मिक विधि के लिए संकल्प छोड़ना है तो कृपा करके आप ऊपर के बदले हुए पंचांग का सहारा लेकर नया संकल्प तैयार करें और उस संकल्प में आप जो करने जा रहे हैं धार्मिक विधि उसका उल्लेख अवश्य करें। तब जाकर आपकी धार्मिक सेवा संबंधित देवताओं तक पहुंचेगी और उनका आशीर्वाद आप तक पहुंच जाएगा। आपका जीवन और भी सुखमय बन जाएगा दोस्तों। अब मुहूर्त विभाग में देखते हैं दोस्तों। इसमें धार्मिक विधि और मुहूर्त काल कुछ इस प्रकार दिए गए हैं। सगाई के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 15 और 16। गोद भराई के लिए मुहूर्त है तारीख 15। नामकरण करने के लिए मुहूर्त है तारीख 15 और 16। मुंडन करने के लिए मुहूर्त है तारीख 15 और 16। गृह प्रवेश करने के लिए मुहूर्त है तारीख 14, 15 और 16। अब मुहूर्त के दूसरे भाग में देखेंगे दोस्तों। जनेऊ संस्कार के लिए इस मास में कोई मुहूर्त नहीं है। शादी ब्याह करने के लिए, वास्तु शांति करने के लिए, भूमि पूजन तथा पायाभरण करने के लिए इस मास में कोई मुहूर्त नहीं है दोस्तों। देव मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा अगर आपको करनी है तो केवल महादेव की आप कर सकते हैं या उनके अवतारों की कर सकते हैं, लेकिन शिवलिंग अपने घर में स्थापित करने से पहले उसका उसके लिए जो नियम है वो नियम जान ले दोस्तों। अगर वो आपसे पालन होता है होते हैं तो ही आप घर में शिवलिंग स्थापित करें, अन्यथा मंदिर में आप कर सकते हैं पंडित के माध्यम से विधिवत। दोस्तों, इसके लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 15 और 16। प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद भी आपको इस महादेव की मूर्ति पर
रुद्राभिषेक लेना हर दिन जरूरी है दोस्तों। अगर आप नहीं लेते हैं तो प्राण प्रतिष्ठा होते हुए भी मूर्ति खंडित मानी जाती है और एक दिन उसका विसर्जन करना पड़ता है दोस्तों। इसके लिए आप जो भी निर्णय ले सोच समझ कर ले दोस्तों। दोस्तों ऊपर दिए गए कुछ मुहूर्तों की तारीखों में समय की पाबंदी हो सकती है, उसे जानने के लिए कृपा करके आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। कोई योग्य ऐसे पुरोहित से संपर्क कर सकते हैं या पंचांग धारक से संपर्क कर सकते हैं और अपने जन्म कुंडली के अनुसार अपने लिए योग्य ऐसा मुहूर्त चुन सकते हैं ताकि आपके धार्मिक विध में कोई व्यत्यय न आए। अगर ऐसा मुहूर्त आपके लिए नहीं होगा तो कृपा करके आप खुद होके या पुरोहित के माध्यम से नया कोई मुहूर्त इनसे हट के निर्माण ना करें, क्योंकि वो मुहूर्त ना होने की वजह से आपको उसका कोई फल मिलेगा नहीं दोस्तों। दोस्तों पंचांग में दी गई जो अन्य जानकारी है महत्वपूर्ण, उसे हम देखते हैं। पंचांग शुद्धि दोस्तों उत्तम दिन है, कोई प्रॉब्लम नहीं। दिन विशेष दोस्तों नित्य सामान्य सेवाएं है, विशेष सेवा कोई नहीं है। अग्नि धरती पर हाजिर नहीं है दोस्तों, इसके लिए आप कोई नया यज्ञ कर्मकांड नहीं कर सकते, जो रेगुलर है वही आप कर सकते हैं। राहु काल सुबह 10:30 बजे से लेकर 12 बजे तक है। इस काल में अगर आपको कोई काम महत्वपूर्ण बनता नहीं है, बिगड़ता है, तो कृपा करके राहु की वजह से तो कृपा करके आप और कोई समय में उसे पूरा करने की कोशिश करो, हो सकता है आपको उसमें यश प्राप्त हो दोस्तों। क्योंकि राहु सबके लिए शुभ फल देगा ऐसा नहीं होता है, जिसको शुभ होता है उसे शुभ मिलने की चांसेस ज्यादा रहती है, अन्यथा वो अशुभ ही फल देगा। देखो दोस्तों धन्यवाद दोस्तों, आज का ये पंचांग का वीडियो मैं यहीं पर खत्म कर चुका हूं। अगर आप मेरे विचारों से सहमत हैं तो कृपा करके मेरा धर्म कर्म चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, अपने मित्र और परिवार के साथ शेयर करो और कमेंट्स बॉक्स में आप अपना विचार अवश्य प्रकट करें दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, अगला मेरा वीडियो आप तक पहुंचने के लिए आप बेल बटन को भी अवश्य दबाएं। धन्यवाद दोस्तों, अगली मुलाकात होने तक आप खुश रहे, आनंदी रहे और प्रसन्न रहे। हरिओम, शिव शंभो महादेव।